15 साल बेमिसाल, ऐसा कहीं हुआ है? सृजन घोटाला क्या बेमिसाल घटना है भाई, खजाने से लूट हो गई 34 लड़कियों को, सरकार के अभिरक्षा गृह से उसके साथ बलात्कार होता है, ये बेमिसाल है ना? कि मधुबनी जिले में कोर्ट में एडीजी को पुलिस मार रही है, है? इसे भी बड़ा बेमिसाल, दुल्हन के घर में पुलिस घुस रही, इस पर कोई एक शब्द भी अभी तक मुख्यमंत्री बोले हैं क्या? इसका मतलब है उनका मौन समर्थन उनको है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जय श्री राम, अयोध्या मंदिर, ये भाजपा बजरंग दल के लोग, आरएसएस के समर्थक, जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन सब है, उनकी ये चेष्टा है कि देश में किसी तरह से धार्मिक पोलराइजेशन कराया जाए चुनाव के पहले। जो शुरुआत त्रिपुरा से हुई थी, मस्जिदों पे हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिदों पर हमला किया गया था, अब वो आग कर्नाटक के मस्जिदों में भी आ गई है। कल एक खबर आई है कि कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास एक मस्जिद में हिंदू संगठन के कुछ लोग घुस करके इमाम के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं और उनको जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। हमारे साथ में हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। ये जो मामला आ रही है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2014 में से जो सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सरकार डे वन से ही, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जय श्री राम, अयोध्या मंदिर, अगर इसको माइनस कर दीजिए तो आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए। और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे मामला CAA का हो, ये सब मामले केवल और केवल बस ये है कि किसी तरह से धार्मिक उन्माद इस देश में पैदा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अब तक इसे स्वीकार नहीं करती है। चाहे मॉब लिंचिंग इन्होंने किया हो, अरे भाई दो उदाहरण तो साफ साफ है ना, कि मॉब लिंचिंग में झारखंड के रामगढ़ में केवल एक व्यक्ति को उसके हाथ में काले पॉलिथीन में मीट था जिसके लिए उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और उसमें सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व थे। और जब वीडियो फुटेज वगैरह देखा गया उसके आधार पर, जब उनकी शिनाख्त करके जब वो जेल गए और बेल पर जब आ रहे थे, तो भारत सरकार के मंत्री जाते हैं उनको वहाँ माला पहना करके जैसे, और निकलते समय उनका स्वागत करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करके लौटे हैं। तो ये किस चीज़ का द्योतक है? न केवल हम वहाँ की बात कह रहे हैं, CAA में के विरोध में जब शाहीन बाग में जब महिलाएं आंदोलन चला रही थी, तो उनके मंत्री जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या नारा लगाया था? नारा लगाया था देश के गद्दारों को, और क्या कहा था उसके बाद आप जानते हैं। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगा तो उसको उन्होंने राज्य मंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, ये प्राइज के रूप में हो गया। तो ये सब इनका चरित्र है आज। जिस तरह से एक्टिविस्ट पे लगातार कार्रवाई हो रही है, त्रिपुरा मामले में लगभग 100 वकील के ऊपर, 100 से ज़्यादा वकील के ऊपर UAPA लगा दिया गया सर, और हिंदू संगठन के जो भी लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला केवल त्रिपुरा का नहीं है, पूरे देश भर में ये जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो उनके विरोध में बोलने वाले हैं, या तो उनको कहा जाता है अर्बन नक्सलाइट, नहीं तो उनको देशद्रोही की संज्ञा से कहा जाता है, दिया जाता है। आप देख लीजिए किसान आंदोलन में क्या हुआ, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी देशद्रोही कहा, क्या क्या नारा नहीं लगाया गया उनके खिलाफ में। वो तो उसी तरह से दंगाई कहा, तो ये इनका चरित्र है।
और उसकी के अपने चरित्र के अनुरूप ही वो अपना काम कर रहे हैं। किसान कहा जा रहा है सर, किसान आंदोलन की वजह से जो हिंदू मुस्लिम का बैरियर था वो टूटने की कगार पर लगभग टूट चुकी थी, पर जो ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है विधानसभा चुनाव जो कुछ राज्यों में होने वाले उसकी तैयारी है। पहली बात तो जान लीजिए कि इनके तोड़ने से अब हिंदू मुस्लिम की एकता जो पश्चिम यूपी में जो बनी थी किसान आंदोलन के बीच में वो तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद नहीं टूट पा रहा है। ये उत्तराखंड के गत दिनों उत्तराखंड की सभा में जा करके क्या कहा अमित शाह ने कि रोड जाम था, लोग नवाज पढ़ रहे थे रोड पर। ये कहने का मतलब उनका क्या था, किसी न किसी रूप में हिंदू मुस्लिम के बीच में वो चाहते थे कि एक मतभेद पैदा हो, एक संघर्ष के वातावरण बने, लेकिन इनके कहने से कुछ बना नहीं। और बहुत चेष्टा कर रहे हैं कि अभी 2 महीना और बचा है, बहुत सारे इस तरह से ये भाजपा बजरंग दल के लोग, आरएसएस के समर्थक, जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन सब है, उनकी ये चेष्टा है कि देश में किसी तरह से धार्मिक पोलराइजेशन कराया जाए चुनाव के पहले। वो उसमें वो सफल नहीं होंगे, हमेशा असफल होंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक स्लोगन दे रहे हैं 15 साल बेमिसाल, और बिहार में शराबबंदी का हाल तो सबको पता ही है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब और दलित तबके के लोग हैं सर। ओहो, क्या बात आपने कहा, कमाल की बात। 15 साल बेमिसाल, ऐसा कहीं हुआ है बताइए? किसी राज्य में सृजन घोटाला, क्या बेमिसाल घटना है भाई, खजाने से लूट हो गई। ऐसा कहीं हुआ 34 लड़कियों को सरकार के अभिरक्षा गृह से उसके साथ बलात्कार होता है, ये बेमिसाल है ना। ये भ्रष्टाचार का ये सब नमूना है तो ये तो बेमिसाल है ही ना। अभी 50 लोग शराब, जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो गई, 50 महिलाएं विधवा हो गई, ये भी तो एक बेमिसाल है। ये भी तो एक बेमिसाल है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, उन सबको नशाबंदी के अंदर आजीवन कारावास सिवान में हो जाता है 12 लोगों को, ये भी तो बेमिसाल है। ये भी बेमिसाल नहीं है, आप लोग क्या कमाल का बात करते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए कि मधुबनी जिले में कोर्ट में एडीजी को पुलिस मार रही है, है? इससे भी बड़ा बेमिसाल अब तो कोई संगठन रहा ही नहीं भाई, न जुडिशियरी रहा, न मीडिया रहा, न कोई संवैधानिक संगठन रही, सब ये सब बेमिसाल का ही कमाल है। तो ये बेमिसाल तो है, हम इसके लिए, इस बेमिसालियत के लिए धन्यवाद देते हैं। दलितों का आरक्षण खत्म हो गया, ये बेमिसाल नहीं आपको लग रहा है कि जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा, ये भी बेमिसाल है। कितना कहा जाए, बलात्कार, नरसंहार, रोज दिन डकैती हो रहा है, ये बेमिसाल नहीं है, ये सब तो बेमिसाल है ना। इतने लोग पकड़े जा रहे हैं नशाबंदी में, इतना दारू पकड़ा रहा है तो कहाँ से पकड़ा रहा है? अभी तक कितने दरोगा को अभी 4-5 दिन पहले जो समीक्षा हुई है, कहाँ कहाँ किस पुलिस अफसर पर कार्रवाई हुई, कहीं हुई है? तो उसके लिए इंतजार हो रहा है, ये भी एक बेमिसाल है निर्णय इनका। 9 बार समीक्षा किए मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी उनको समीक्षा सफलता नहीं मिली। जिस तरह से हठ धर्मिता किसानों के आंदोलन की जो डिमांड है उसको मानने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिले किया, और अब जब चुनाव आ रहा है 5 राज्यों का, तो जा करके सीधे नतमस्तक होकर कहते हैं कि हम इसको वापस लेते हैं। अब झूठा सही तो बाद में बात है, लेकिन उन्होंने कहा यह है किसानों के आंदोलन का जो मजबूती है उसको, जिसको कि क्या क्या नहीं कहा गया इनके द्वारा, श्रमजीवी, परजीवी, आंदोलनजीवी, सब कुछ उनको कहा गया, और अब उसके सामने ये नतमस्तक हो गए। उसी तरह से बिहार में भी जो नशाबंदी है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या नहीं कह रहे हैं, 9 बार समीक्षा की है, अब और कितनी बार करेंगे मालूम नहीं, लेकिन अब तक इनको सफलता इसमें न मिली है,
न मिलने की संभावना इनके इस वर्तमान एक्शन से लगती है। ये अगर कर लेते इसमें सब दलित लोग पिछड़ो देख रही ना, कितने गरीब लोग जा रहे हैं, दलित लोग जेल में जा रहे हैं। कौन जा रहा है जेल, इसका सर्वे करा लीजिए, जेलों में ले लीजिए इसका हिसाब, कौन जेल जा रहा है, कोई मजबूत आदमी जा रहा है, सब कमजोर लोग जा रहे हैं जेल, मुसहर फांसी ठूसा रहा है, फांसी मुसहर पर केस पर केस, केस पर केस। उसको नीरा के लिए कह रहे थे कि फांसी को हम नीरा देंगे पीने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के लिए लाभ, कहाँ नीरा बिक रहा है कहीं? तो ये सब है, इनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे अमल हो। नशाबंदी के हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो तत्काल नशाबंदी कानून को वापस लेना चाहिए। सर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के नाम पर कई होटलों में जा रही है, अभी शादी विवाह का माहौल है और दुल्हन के कमरे तक पेपर में भी आया है, बहुत सारे पेपर में, कि दुल्हन के कमरों तक भी छानबीन कर रही है पुलिस। क्या कार्रवाई कर रही है, उसको एक और मौका मिल गया है कुछ कमाने का, कुछ साधन बनाने का, और उसको सरकार के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम इस तरह की कार्रवाई करो। दुल्हन के घर में पुलिस घुस रही है, इस पर कोई एक शब्द भी अभी तक मुख्यमंत्री बोले हैं क्या? इसका मतलब है उनका मौन समर्थन उनको है। तो जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसमें उनका मौन समर्थन है। जो सरकार, बिहार सरकार को जो नुकसान हो रहा है बिहार में, वो अपने लोगों को वो दिलवा रहे हैं। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है राज्य को, और वो कहाँ जा रहा है 20,000 करोड़? तो उसको छुपाने के लिए तो ये सब कार्रवाई करेंगे ना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, और उसको मौन समर्थन भी दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी अभी कई किसान कोई भी किसान संगठन बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे सर इस पर? कैसे छोड़ देंगे अभी भाई बॉर्डर, उनको भरोसा नहीं हो रहा है ना MSP का, जब तक गारंटी नहीं हो जाता है उसके बारे में, जब तक कि कानून नहीं संसद से बन के पास हो जाता है MSP गारंटी का, जब तक कि जो 700 किसान मरे हैं वहाँ आंदोलन के अंदर, उनके मुआवजा नौकरी की घोषणा नहीं हो जाती है, कैसे छोड़ देंगे लोग बताइए। सर अगर किसानों की शहादत हुई सर, तो इसको आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है ये? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, भारत सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेवार हैं इसके एकमात्र, और अमित शाह। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, इनका कहना है सीधे सीधे कि जो किसान मरे हैं 700 के लगभग आसपास, वो सीधे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।